Hey guys, welcome back to College Friends MBA YouTube channel. आज बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैट के पर्टिकुलर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए. हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव सॉल्व करके दिखाएंगे इस सीरीज में. स्टार्टिंग विद द सीरीज हम LRTI के साथ आगे बढ़ेंगे गाइस. तो मेरे खुद के LRTI में 99% प्लस थे. सो आई थिंक आई एम गुड इनफ टू टेल यू हाउ आई अप्रोच अ पर्टिकुलर LRTI सेट. सो स्टार्टिंग विद LRTI आज हम अरेंजमेंट्स, जो कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है LRTI का, जो कि बेसिकली फाउंडेशन फॉर्म करता है आपके DILR के कॉन्सेप्ट्स का, वो आज हम आपको सॉल्व करके देंगे. तो गाइस सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए. गाइस ये वीडियो दो पार्ट्स में आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ. ये वीडियो है, पहली जो वीडियो है ये सेटिंग अरेंजमेंट्स जो नॉर्मल अरेंजमेंट्स है उसको सॉल्व करने के लिए. सेकंड पार्ट की वीडियो आएगी वो है सर्कुलर अरेंजमेंट्स की, जो कि इस वीडियो के बाद जस्ट बात आ जाएगी और आपका पूरा अरेंजमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा कवर हो जाएगा दो वीडियोस में. तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं. जैसे मैं सॉल्व करूंगा बिल्कुल वैसे वैसे आप सॉल्व करना है. रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस एंड फॉलो. ओके, 11 फ्रेंड्स एमएनओपी क्यूआरएस टीओडब्ल्यू आर सिटिंग इन द फर्स्ट ऑफ द स्टेट एंड वाचिंग अ क्रिकेट मैच. गाइस अब यहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली अल्फाबेट्स दे दी है, वरना क्या होता है कि कैट एग्जामिनर्स बहुत चालाक होते हैं, वो आपका टाइम ज्यादा ज्यादा वेस्ट करना चाहते हैं, राइट. तो वो क्या करेंगे, आपको नाम दे देंगे अमन, बमन ऐसे करके, या चारू, कुछ ऐसे मतलब स्टूपिड से नाम दे देंगे, ताकि आप इन्हीं नामों में घुसे रह जाओ और जब आप एक्चुअल अपना सेट सॉल्व करोगे तो इन बड़े बड़े नामों में लिखने में ही टाइम वेस्ट कर दो. गाइस ऐसा नहीं करना है. अगर ऐसे ऐसे बड़े नाम दिए हैं तो आपको स्मार्टली प्ले करना है. आपको अमन का ए उठा लिया, बी उठा लिया, सी उठा लिया, आप समझ गए ना आपको कैसे फॉरवर्ड करना है. क्या करेंगे गाइस, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा कि वो ना एक ही अल्फाबेट के ज्यादा नाम दे देंगे. फॉर एग्जांपल अमन दे दिया, आरुषि दे दिया, अंजलि दे दिया. तो उस केस में क्या करना है गाइस, आपको ए मींस अमन, ए आर मींस आरुषि, ए एन मींस अंजलि. तो आपको नाम्स पे तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है यार. पहले से आप समझ लीजिए कि आपका सेट ऑलरेडी इतना बड़ा है, आपको ऑलरेडी यू नो मतलब अगर आप मान लो पूरे कैट एग्जाम में सिर्फ 6 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो आपको 95% लगा जाते हैं. तो आप देखिए कि LRTI के सेट कितने टफ होते हैं कि सिर्फ बच्चों से 6 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो रहे. तो आपको ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्लीज ये बात समझ लीजिए आप. तो एम एन पी ओ क्यू आर एस टी ओ बी डब्ल्यू सेटिंग इन द फर्स्ट ऑफ द स्टेडियम क्रिकेट. गाइस अरेंजमेंट्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे अरेंजमेंट्स के आपके सारे सेट सॉल्व हो जाएंगे. तो आपको बहुत सारी मैंने यूट्यूब पर वीडियोज देखी है, बहुत सारा रिसर्च किए, उसमें ना टेबल बना के आपको सॉल्व करके दिखाया जा रहा है. गाइस टेबल इज नॉट द राइट अप्रोच. व्हाई आई टेल यू कि कैट के एग्जाम में जब आप टेबल बनाते हो ना एक अरेंजमेंट का सेट सॉल्व करने में, तो आपकी उस हड़बड़ाहट में क्या होता है कि कई बार आपका लेफ्ट राइट की जो जजमेंट है वो आप भूल जाते हो या आपसे मिसप्लेस हो जाती है, राइट. वो गलती आपसे ना हो, आपकी लेफ्ट राइट कौन किसके लेफ्ट बैठा है, मतलब लेफ्ट क्या एक पर्टिकुलर पर्सन का और राइट क्या एक पर्टिकुलर पर्सन का, वो आपसे मिसजज ना हो कैट के एग्जाम पे. तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट है तो मैं स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगर सर्कुलर अरेंजमेंट होती तो सर्कल बनता, तो सिटिंग अरेंजमेंट थी तो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई. अब जैसी मैं जिस डायरेक्शन में बैठा हूँ उसी डायरेक्शन का मैं एरो बनाऊंगा, राइट. मान लो फॉर एग्जांपल स्टेडियम यहाँ पे है, राइट. तो ये सब उधर देख रहे हैं, 2, 3, 10, 11. अब गाइस ये करने से क्या हो गया, ये करने से ये हुआ है कि जो अब मेरा लेफ्ट है वही इस बंदों का लेफ्ट है और जो मेरा राइट होगा वही इन बंदों का राइट होगा. ये बेसिकली मैं इनको खुद से रिलेट कर पा रहा हूँ कि जो इनका लेफ्ट होगा वही मेरा लेफ्ट होगा, जो इनका राइट होगा वही मेरा राइट होगा. तो मेरा लेफ्ट राइट का जजमेंट देखो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं. तो गाइस अब ये आपका सॉल्व हो चुका है, फटाफट आर्ग्यूमेंट्स में बढ़ते हैं क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना. टी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, मतलब टी पी के लेफ्ट में बैठा है, क्योंकि अब मैं सामने देख रहा हूँ तो ये पी का जो लेफ्ट है वही मेरा लेफ्ट है, राइट. टी इज टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू. गाइस अब इस लाइन को ध्यान से समझना, वो कह रहे टी टू द इमेज लेफ्ट ऑफ पी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू. वो बेसिकली बता रहा है कि टी की पोजीशन लेफ्ट पी के लेफ्ट में और यू के राइट में है. इसमें पी की पोजीशन नहीं आना, कंफ्यूज नहीं होना, राइट. अगर उन्होंने बोला होता कि पी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ यू तो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं पी टू द राइट ऑफ यू, या फिर वो क्या करते हैं कि वो कॉमा डाल देते हैं और एंड डाल देते हैं. तो उससे क्या पता लग जाता कि टी तो लेफ्ट में बैठा है पी के, बट पी यू के राइट में बैठा है. तो आपको सेंटेंसेस बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं. कॉमा कॉमा में गाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, मैं बता रहा हूँ. अब इसको जैसे मैंने पढ़ा वैसे पढ़िए. टी टू द इमेज लेफ्ट ऑफ पी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, बेसिकली पी के लेफ्ट में बैठा है टी एंड यू के राइट में बैठा है थर्ड राइट में. तो गाइज पहले ही कॉन्सेप्ट है कि अगर टी यू के राइट में बैठा है तो बेसिकली यू टी के लेफ्ट में बैठा है. तो जितना यू के राइट में बैठा है उतना यू टी के लेफ्ट में बैठा है, राइट. तो अगर थर्ड टू द राइट ऑफ यू है इसका मतलब यू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है. बेसिक कॉन्सेप्ट गाइज, इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा बता देता हूँ. टी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ यू, टी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ यू, मतलब अगर यू यहाँ पे तो थर्ड टू द राइट है. सिमिलरली यू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है. बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, राइट लेफ्ट का बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है. तो अगर यू के थर्ड राइट पे टी बैठा है तो टी यू के टी जो मान लो यू के थर्ड राइट पे बैठा है तो यू टी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, राइट. तो थर्ड लेफ्ट कैसे काउंट करना है मैं वो भी बता देता हूँ कि खुद को छोड़ा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब यू यहाँ बैठा है और दो पोजीशंस खाली है. गाइस दोबारा मैं दोबारा बता रहा हूँ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी इसका मतलब खुद को छोड़ा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब थर्ड यू यहाँ बैठा है और दो पोजीशंस खाली है.
ठीक है गाइस। तो फर्स्ट आर्गुमेंट हमने डायग्रामेटिकली प्रिंट कर लिया। अभी मेरे पास इनकी फाइनल पोजीशंस नहीं है तो मैं इनको फाइनल डायग्राम में अभी नहीं डाल सकता। V इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N, राइट गाइस। तो ध्यान से देखना, V इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N, मतलब V M का नेबर भी है और N का भी नेबर है। वो तभी पॉसिबल होगा जब V उन दोनों के बीच में बैठे, राइट। तो V या तो पोजीशन गाइस ऐसे होगी या ऐसे होगी, क्योंकि स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं है कि N V के लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है या M V के लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है। तो दो कंडीशन, दो केसेस थे, मैंने दोनों प्रिंट कर लिया। मेरे को ऑब्वियसली फाइनल पोजीशन नहीं पता अभी इनकी, मैं इनको डायग्राम में नहीं सॉल्व किया। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, गाइस दोबारा जैसे मैं पढ़ूंगा, V इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। यहां पे V की ही बात कर रहे हैं अभी भी, तो V इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, राइट। तो अगर V सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S है, इसका मतलब है S इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ V, राइट। तो सिमिलरली जैसे मैंने वो सॉल्व किया था वैसे करेंगे, खुद को छोड़ा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो बेसिकली एस यहाँ पे और जगह यहाँ पे छोड़ दी। सो अब देखो ना कि वी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, इसका मतलब क्या है कि खुद को छोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑटोमेटिकली वो भी तो सॉल्व हो जाएगा ना गाइस। सिमिलरली यहाँ पे खुद को छोड़ो और एस, डन, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने प्रिंट कर लिया। एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, गाइस एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, इसका मतलब क्या है कि अब ध्यान से सोचना गाइस कैसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एम इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, अगर सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, इसका मतलब क्या है कि सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अगर एम मान लो ये वाला केस है, तो जीरो वन टू क्यू यहाँ पे होना चाहिए था, तो गाइस क्यू खुद को छोड़ा वन और टू, मतलब जहाँ पे एन बैठा वहाँ पे तो क्यू होना चाहिए था, तो यहाँ पे तो सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्ट होगी। इसका मतलब ये हमारा केस गलत है, ठीक है। ऑब्वियसली यार कि आप समझो ना कि एक पोजीशन में दो लोग कैसे बैठ सकते हैं, तो ये केस डायरेक्टली मैंने रिजेक्ट कर दिया, राइट। तो सिमिलरली अगर सेकंड केस होता तो इसका मतलब क्या था कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, विच मीन्स हियर, विच कम्प्लीटली सेटिस्फाइज द कंडीशन, राइट। तो उसके बाद क्या है, हु इज एट वन ऑफ द एंड, अब देखना ध्यान से देखना जो मैं बात कर रहा था, कैन से सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, हु इज एट वन ऑफ द एंड, देखो स्टॉपेज आया। इसका मतलब ये है कि अब M की बात नहीं हो रही है, अब Q की बात हो रही है, तो Q इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स, राइट। अब मान लो कि Q यहाँ पे बैठा होता, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन में यहाँ पे इन सबको यहाँ पे फिट कर ही नहीं सकता, क्योंकि पोजीशन नहीं है। इसका मतलब Q यहाँ पे बैठा है, और क्योंकि ये सिचुएशन सॉरी ये पोजीशन फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है कि M यहाँ पे बैठा है, M B यहाँ पे बैठा है, N यहाँ पे बैठा है और S यहाँ पे बैठा है। दोबारा M इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q, मैंने प्रिंट कर लिया, हु इज एट वन ऑफ द एंड्स, मतलब Q इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स, नॉट M, प्लीज इस कॉमा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, प्लीज इसको फोकस कीजिए अच्छे, कोई भी अरेंजमेंट कोई भी आर्ग्यूमेंट को अच्छे से रीड कीजिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। तो गाइज ये भी मैंने सिचुएशन प्रिंट कर दिया अपने फाइनल डायग्राम में भी, राइट। R इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ P, मतलब R इज सिटिंग हियर, तो गाइज ऑलरेडी वहाँ पे मैंने P की बात कर ही रहा था, तो मैंने वही डायग्राम यूज कर लिया इंस्टेड कि मैं न्यू डायग्राम बनाऊँ, राइट, ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो। तो ऑलरेडी मान लो आपने कोई अल्फाबेट्स का यूज किसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में ऑलरेडी कर लिया है, तो बेटर होगा कि जब उन अल्फाबेट्स की दोबारा बात करी जा रही है आगे के आर्ग्यूमेंट्स में, तो आप वही इक्वेशन यूज कीजिए जो आपने पहले प्रिंट करी है, राइट। तो इस केस में जैसे मैंने यूटीपी फर्स्ट में बनाया था, अब दोबारा P की बात हो रही है R के विद रिस्पेक्ट में, तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में R को फिट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो R सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ P, डन। एंड P सेकंड टू द राइट ऑफ O, मतलब अगर P सेकंड टू द राइट ऑफ O है, विच मींस O इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, इसका मतलब खुद को छोड़ा फर्स्ट सेकंड, तो O यहां पे आ गया, ठीक है, डन। अब गाइस अब हमारी सारी आर्गुमेंट्स पढ़ ली हैं, अब इनको फाइनली इनको फाइनल डायग्राम में प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। देखो गाइस अगर U यहां पे होता तो यहाँ पे O होना चाहिए था, तो डेफिनेटली U यहाँ पे पोजीशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो कुछ मतलब जो कि ऑलरेडी पोजीशन फिक्स था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, डेफिनेटली U यहाँ पे नहीं है। अगर मान लो U यहाँ पे होता तो O T, तो ये तो बाहर ही चले जा रहा है, तो ऑब्वियसली U यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो ये भी सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही अरेंजमेंट बचती है जहाँ पे U फिक्स हो सकता है, जो कि है अगर U बिल्कुल बीच में हो, तो इस केस में S यहाँ पे हो जाएगा, तो O T P और R, इसका मतलब जो पोजीशन बच गई है वो है जो कि बचा हुआ बंदा है, जो कि है W, डन। गाइस अरेंजमेंट बन गई है, ठीक है। अब अभी आप इनिशियल ईयर्स में हो, मतलब अभी आपका सिर्फ इनिशियल अलर्ट ईयर आप सॉल्व करना चाह रहे हो, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू रिवाइज द सेट, राइट। T इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, T इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P एंड थर्ड टू द राइट ऑफ U, T इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ U, 0 1 2 3 डन, ओके, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिवाइज्ड, डन। Y इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N, V इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, 0 1 2 3, ओके, मेरी सेकंड इक्वेशन भी सॉल्वड है, डन। M is second to the right of Q, M is second to the right of Q, who is at one of the ends, who is at one of the ends, तो मेरा ये भी question satisfied है। And finally, R is sitting next to the right of P, R is sitting next to the right of P, and P is second to the right of O, P is sitting second to the right of O, तो मेरी ये भी question satisfied है। तो मेरा revise हो चुका है, ये मेरा final diagram है, और I am good to solve the next questions, right? Who is sitting at the center of the row? I know U is sitting at the center of the row, तो मेरा U fourth answer है, done। मैं बाकी time waste करना ही नहीं है, guys, पढ़ने में भी। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the people are sitting to the right of S?
एसके राइट में कौन बैठा है? ओटीपीआर। ओटीपीआर कहां पे है? ये रहा ओटीपीआर सेकंड। डन, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है गाइस, आगे बढ़ते हैं फटाफट। Which of the following statements is true with respect to the above arrangement, right? There are three persons sitting between P and S. P and S के बीच में क्या तीन पर्सन है? ये रहा P, ये रहा S, ये तो दो लोग हैं, तो डेफिनेटली ये गलत है। W is between M and V. W is between M and V, नहीं भाई, W तो M के साथ में, तो obviously ये भी गलत है। N is sitting between V and U. N is sitting between V and U. Done, guys, मेरा third है इसका answer. तो मैं इसको टिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा गाइस, क्योंकि अब देखो ना मैं फोर्थ की तरफ पढ़ के भी नहीं देखूंगा। वाई? क्योंकि मेरे को कम से कम अपना टाइम वेस्ट करना है। अब मेरा एक ऑप्शन फाइनलाइज हो चुका है और स्पेसिफिकली मेंशन भी नहीं है कि एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू है, तो इसका मतलब मैंने एक बार करेक्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया, मेरे को पता है ठीक है, तो आगे बढ़ो। डन, मैं फोर्थ पढ़ूंगा मैं। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी? हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी? टी के इमीडिएट नेबर्स कौन है? ओ और पी, राइट। तो फटाफट आगे बढ़ते। ओ और पी कहां पे दिख रहा है? फर्स्ट फर्स्ट में ओ पी लिखे, तो डन, मेरे को पढ़ना भी नहीं आगे, right? If Q and P, O and N, M and T, and W and R interchange their positions, then which of the following pairs of friends is sitting at the end? Guys, चलो, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आपको लंबा लग रहा है, एक सेकंड का क्वेश्चन बताता हूँ कैसे। Sitting at the ends, तो guys, ends में देखते पहले कौन बैठा है? Q बैठा है और R बैठा है, right? तो चलो, Q की सिचुएशन, Q की पोजीशन P से एक्सचेंज करी, मतलब अब एक एंड में P बैठा है, ठीक है? O and N irrelevant है, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ एंड्स के बारे में बात कर रही है ना, सिर्फ सिर्फ जो एंड पोजीशन में बैठा है। तो एम और टी में ओ मतलब पी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, आर भी नहीं है, आर भी नहीं है, तो फिर एम और टी से भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। डब्ल्यू एंड आर, हाँ, तो डब्ल्यू और आर की सिचुएशन उन्होंने एक्सचेंज कर दी है, तो इसका मतलब क्या था कि जो क्यू और आर जो पहले एंड्स में बैठे थे, अब पी और डब्ल्यू बैठे हैं, राइट? तो पी डब्ल्यू कहाँ पे? थर्ड। डन, देखा? तो अब आपका आपका मोटिव अरेंजमेंट सॉल्व करके किसी को दिखाना नहीं है, आपका मोटिव है कि आपको क्वेश्चन ठीक करना है, और मैंने क्वेश्चन ही ठीक किया, मैंने टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने ऊपर जाकर अरेंजमेंट सिर्फ एक ही बार देखा कि एंड्स पे कौन बैठा है, बाकी मैंने ऊपर दोबारा उसको बनाने का टाइम वेस्ट भी नहीं किया, और आपको ऐसे ही करना है, राइट? तो गाइज, विद दैट बीइंग सेड, हमारा सारा सेट सॉल्व हो चुका है। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करवा देता हूँ कि कोई भी आपका अरेंजमेंट का सेट होगा, आपको एरोस बना के करने, और आपके एरोस वही डायरेक्शन में चाहिए जिस डायरेक्शन की अगर आप देख रहे हो, ताकि आपका जो लेफ्ट होगा वही एरो का लेफ्ट होगा, आपका जो राइट होगा वही आपके एरो का राइट होगा। नेक्स्ट, आपको नेम्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? अल्फाबेट्स चूज के लिए आगे बढ़िए, राइट? उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, जैसे आपने एक बार सेट कंप्लीट कर लिया है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा सेट ठीक है। उसके इसमें आपको क्वेश्चंस फटाफट यू एक एक सेकंड में सॉल्व करना है, आपको दो दो तीन सेकंड टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, एक एक सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए अगर आपको फाइनल डायग्राम बन चुका है तो। उसके बाद गाइस, आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप इनिशियल में हो, तो आपका शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू रिवाइज द सेट अगेन, उससे कुछ गलत उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इनिशियल में, बट इवेंचुअली आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने एक बार सेट सॉल्व कर लिया है, तो आपने इतने अच्छे से सॉल्व किया कि आपको पता है कि इसमें कुछ गलती नहीं है, अगर आपका फाइनल डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बन के आ चुका है। एंड विद दैट बीइंग सेड गाइस, आपको वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कैट एग्जाम, राइट? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू कॉलेज एमबीए यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड नॉलेज। यस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।